बजाज कंपनी द्वारा T150 पल्सर लॉन्च किया, जिसमें बहुत सारी नई फीचर्स है। ये बाइक शर्मा एंड संस मनेर शरीफ रोड स्थित है, जहां हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, जैसे कस्टमर लोगों के बैठने, गाड़ी की सर्विसिंग, पार्ट्स एवं बेहतरीन मैकेनिक से इस शोरूम में उपलब्ध है। आज शर्मा एंड संस शोरूम में T150 पल्सर का शोरूम में केक काट कर जनता को बिक्री के लिए रास्ता प्रशस्त किया गया, जिसमें बजाज कंपनी के विवेक प्रताप सिंह और शोरूम के मालिक ने संयुक्त रूप से केक काट कर विधिवत रूप से इस बाइक के लॉन्चिंग का शुभारंभ किया। इस बाइक में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। इस कार्यक्रम में एरिया कमांड मैनेजर विवेक प्रताप सिंह, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव सौरभ सिंह, शोरूम मालिक अविनाश शर्मा, पारसनाथ पाल और अनेक लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं शर्मा एंड संस का फाइनेंस एग्जीक्यूटिव सौरभ सिंह आप सभी का इस क्रिसमस के मौके पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और हमारे उद्घाटन में आए हुए आप तमाम T150 की लॉन्चिंग में, जो कि बहुत ही सराहनीय पल है शर्मा एंड संस और पूरे खानपुर और कर्नाटक बजाज के विवेक प्रताप सर को, राकेश सर को, ऑनरेबल राकेश सर को और हमारे मीडिया सहभागियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज हम लोग इसका लॉन्चिंग के लिए आए। ये गाड़ी को पहले से और बेहतर बनाया गया है। इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ज्यादा से ज्यादा आप लोग लें और इसके खूबी को जानें। मैं खूबी के बारे में अभी बताऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि सबसे पहले इसका ज्यादा से ज्यादा आप लोग टेस्ट ड्राइव लें और लेके इसको खुद महसूस करेंगे कि ये पहले से कितना बेहतर है। और आप लोग अपने टेस्ट ड्राइव लीजिए, अपने संपर्क में जितने लोग हैं, आपके संबंधी हो, आपके भाई हो, सबको इसके बारे में, खूबी के बारे में बताएं और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा आके इसका टेस्ट ड्राइव लें। सर, इसकी खूबी क्या है इस गाड़ी की? इस गाड़ी की खूबी जो है, इसमें ABS है, ABS ब्रेकिंग सिस्टम, और इसका पहले के जो पल्सर था उससे इसका 10 kg वजन कम दिया गया है, और इससे माइलेज वगैरह में भी आपको अच्छा प्रभाव पड़ेगा। माइलेज इसका अच्छा देगा, पहले से बेटर किया गया है। इसका इंजन में भी पहले से बेहतरीन इसको किया गया है, और इसका बहुत सारा फीचर्स है जो अभी आपको टेस्ट ड्राइव में चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग टेस्ट ड्राइव लें और इसको जानें। कितने सीसी की गाड़ी है ये? इसके बारे में हम आपको यही बताएंगे कि पहले आप टेस्ट ड्राइव लीजिए, उसके बारे में बहुत सारा बात इसको बताएंगे हम, ठीक है? क्योंकि कुछ बात जब नया प्रोडक्ट लॉन्च किया करता है तो सब कुछ हम ही बता देंगे, तो कस्टमर क्या बताएंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश सर, कोटक बैंक, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस खेत को अब लोगों में उत्साहित करने के लिए, अब आप इस थ्रिल को रिवील कर दीजिए। सर, हम लोग देखने को करा रहे हैं पल्सर 150 की एक झलक। प्लीज पल्सर एंड विवेक सर, राकेश सर, कैन यू प्लीज रिवील दिस बाइक? You need to know.
आलम में हम उनसे जानेंगे कि पल्सर P150 में क्या क्या चीजें। एवरीबॉडी, सर्वप्रथम मैं सलमान खान परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस क्रिसमस के शुभ अवसर पे हम लोग अपने नए बाइक पल्सर 150 के न्यू वेरिएंट P150 के लॉन्चिंग के लिए एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं कलानंद विवेक सर, राकेश सर जो कि कोटक बैंक से हैं, उनका, बाकी जितने भी दर्शक भाई लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे मित्रगण, हमारे भाईगण और जितने भी लोग हमारे कर्मचारी हैं, हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, सभी को मैं स्वागत करता हूँ। P150 का फीचर बताने से पहले मैं बताता हूँ कि P150 है क्या। P150 एक नया वेरिएंट है जो पहले पल्सर क्लासिक 150 आता था, उसका न्यू वर्जन हम लोग लॉन्च किए हैं बाजार में। इसको 17 नवंबर को ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च किया है और आज हमारे शर्मा एंड सन्स के प्रांगण में इसका लॉन्चिंग हो रहा है। लास्ट वीक हमारे मेन डीलर कलहारू बाजार में इसका लॉन्चिंग हो चुका है। आजकल के जनरेशन को देखकर इसमें बहुत सारे फीचर्स को ऐड किए गए हैं। ये फीचर्स को बहुत ज्यादा तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, जाकर कस्टमर खुद इसको एनालाइज करें कि क्या डिफरेंस पहले 150 में था और आज के P150 में क्या डिफरेंस है। लेकिन मेजर चीज मैं बता दूं कि ये जो है सिंगल चैनल एबीएस पे काम कर रहा है, इसे ब्रेकिंग सिस्टम को एनहांस किया गया है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें आया है कि पल्सर क्लासिक मॉडल में किक नहीं थे, जिसमें हम लोग ने बाजार में इसको किक दिया है ताकि अगर कुछ बैटरी प्रॉब्लम आए तो आप किक से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके मॉडल को इनहांस किया गया है और स्पोर्टी लुक दिया गया है जो कि आजकल के न्यू जनरेशन को अट्रैक्ट करेगा। इसकी जो हेडलाइट है, इसकी हेडलाइट प्रोजेक्शन लाइट है जो कि फॉग में आपका अच्छी तरह से प्रोजेक्ट करेगा और काफी दूर तक इसका रेंज जाएगा। इसके अलावा जो डिस्प्ले जो है एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है, जिसमें गियर पोजीशन सिस्टम आपको शो करेगा, रिमेनिंग किलोमीटर कितनी अभी बाइक जाएगी रिमेनिंग पेट्रोल पे वो आपको डिस्प्ले करेगा। डिजिटल में आपका क्लॉक भी है, किलोमीटर है, RPM जो है वो एनालॉग पे है,